हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट स्टॉली टुडे इज माय टॉपिक सेप्सिस सेप्सिस क्या है सेप्सिस के बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें सिम्टम कोजेस होंगे ट्रीटमेंट होगा एंड प्रवेंशन होगा डायग्नोसिस होगा राइट right? तो पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम जा रहे हैं कि वट इज सेप्सिस सेप्सिस क्या हो सेप्सिस जिसे हम सेप्टिकॉमी या पॉइजनिंग भी कहते हैं ठीक है जो सेप्सिस है इसे हम सेप्टिक कॉमी या फिर पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं इन्फेक्शन और या आपको कभी चोट की कुछ ऐसी मतलब स्थिति हुई हो कंडीशन हुई हो जो लाइफ को डेंजर्स में भी डाल सकती है ठीक है बॉडी ब्लड के अंदर केमिकल रिलीज़ करता है ठीक है हमारी जो बॉडी है वो ब्लड के अंदर केमिकल रिलीज़ करती है जो इन्फेक्शन से फाइट करता है यानी कि इन्फेक्शन से लड़ता है ये इतना मतलब डेंजर्स है कि बॉडी के कुछ ऑर्गन को नुकसान भी पहुंचाकर उन्हें डैमेज भी कर सकता है ठीक है अब हम जानते हैं कि जो सेप्सिस है सेप्सिस कितना सामान्य होता है सेप्सिस काफ़ी आम है ये खासकर व्यस्कों में ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है ठीक है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा लेकिन ये किसी भी एज में और किसी को भी हो सकता है ठीक है इसके रिस्क फैक्टर को कम करके इसे बचा जा सकता है सेप्सिस के क्या क्या लक्षण होते हैं सिम्टम्स क्या रहते हैं बॉडी जो है हमारी यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा थर्टी एट पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस से ऊपर या फिर थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना ठीक है ये किसका सिम्टम्स हो सकता है सेप्सिस के सिम्टम हो सकते हैं सेकेंड आपको क्या होगा वन मिनट के अंदर हार्ट बीट नाइन्टी से अधिक हो सकती है ठीक है और रेस्परेटरी रेट का बढ़ना एक मिनट में ट्वेंटी ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होना या आपको फीवर होगा या फिर शिवरिंग होगी या इससे भी ज़्यादा आपको शिवरिंग हो सकती है ये सिम्टम होते हैं सेप्सिस के राइट इसके बाद हम जानेंगे यानी कि जो ज़्यादा डेंजरस सेप्सिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं ये तो मैंने आपको एक नॉर्मली सिम्टम बताए हैं ठीक है थीके? और जो ज़्यादा मतलब डेंजर्स होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जैसे कम यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना ये भी सेप्सिस के सिम्टम्स होते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं कि प्लेटलेट काउंट में कमी आना ब्रीथ लेने में आपको काफ़ी मतलब तकलीफ होना और और इसमें क्या होगा आपके स्टमक में भी काफ़ी पेन होगा सेप्टिक शोक होगा और आपको वोमिट हो जाएगी और वोमिट जैसी कंडीशन में इसका मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें क्या होगा स्वेटिंग होगा मसल्स में भी पेन के साथ साथ आपको बेचैनी महसूस होगी ठीक है ये मतलब आपको डेंजर्स यानी कि गंभीर जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे राइट तो अब हम जानते हैं कि जो सेप्सिस है ठीक है तो ये इसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है और आपको कब डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है अगर आपको जैसे सर्जरी के बाद आपको इन्फेक्शन या सेप्सिस के कुछ सिम्टम हैं तो आपको मतलब उसी टाइम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए तो इसके जो सेप्सिस के कॉज़ हैं वो क्या रहते हैं सेप्सिस कुछ कारणों से जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन आदि कुछ सबसे जो सामान्य कारण होते हैं निमोनिया हो गया पेट में इन्फेक्शन हो गया या फिर किडनी इन्फेक्शन या ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड में इन्फेक्शन होना भी सेप्सिस के कुछ कारण हो सकते हैं और इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक को रजिस्ट्रिस्ट करने लगते हैं और ये एंटीबायोटिक वही है जो एक टाइम पर इन बैक्टीरिया को ख़त्म करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं ऐसे बैक्टीरिया भी सेप्सिस का कारण बन सकते हैं और ये वीक इम्यून सिस्टम के कारण भी होता है ठीक है तो इसमें मतलब हम ये देखें कि अगर सेप्सिस है तो किन चीज़ों से बढ़ सकता है उसका डेंजर्स मतलब जो खतरा है वो किस चीज़ों से हो सकता है तो इसमें जैसे कि कोई अगर आपको चोट आई है ज, या जैसे जलना वाली जगह पर भी हो सकता है जैसे कि कभी चोट लग जाती या फिर आपको किसी मतलब आग से कुछ आपकी स्किन जल जाती है तब भी ये हो सकता है और आप मतलब ऐसा भी हो सकता है इन वेटस कैथर और यह ब्रीथिंग ट्यूब का भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है और अगर हम बात करें इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका सेप्सिस के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है तो सबसे पहले इसमें ब्लड टेस्ट होगा जिससे इन्फेक्शन क्लोटिंग और लीवर किडनी के फंक्शन का पता चलता है और साथ ही ऑक्सीजन की जो रेंज है लेवल है कि कमी में आ, की कमी तो नहीं है उसके बारे में पता लगा जा सकता है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी आ, इसमें पता चलता है कि ठीक है नहीं है और जो बॉडी के अंदर वाटर की कमी और ब्लड में एसिड को भी इफेक्ट करता है ठीक है और सबसे पहले इसमें ब्लड के टेस्ट के साथ कुछ अदर टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं जैसे कि यूरिन टेस्ट और यूरिन में बैक्टीरिया है कि नहीं ये पता लगाया जाता है और इसमें हम जानेंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा अगर आप सेप्सिस का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है तो ऐसे में डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए वो आपको क्या देंगे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ब्लड प्रेशर के लिए आपको दिया जाएगा वैसे एक्टिव ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन राइट तो ये सब ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है और इसमें हम देखें कि अगर जैसे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है तो उस टाइम पर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जैसे कि अगर आपको लगता है कि ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको मतलब हार्ट बीट आपकी ज़्यादा हो गई है तो उस टाइम आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए राइट और जैसे कि अब आप ये सेप्स का जो चार्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा आपको इन्फेक्शन होगा जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया और सेकंड क्या होगा बैक्टीरिया एंटर ब्लड जो बैक्टीरिया है वो आपके ब्लड के अंदर एंटर करेगा ठीक है सबसे पहले क्या होगा इन्फेक्शन सेकंड क्या होगा इसमें आपके ब्लड के अंदर बैक्टीरिया होगा एंड इसके बाद थर्ड है लीकिंग ब्लड वेसल्स यानी कि आपके जो वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड की लिकिंग हो जाएगी लीकेज हो जाएगी राइट तो फोर्थ आएगा इसके अंदर एंड एंडिस फंक्शन हो जाएगा एंड इसके बाद डेथ होती है अगर आपको कुछ भी सिम्टम नज़र आता है सेप्सिस के या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में हार्ट बीट अगर आपकी नाइन्टी से अप हो गई है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और जो ये टॉपिक है जो अभी मैंने आप लोगों को करवाया है ये मोस्ट वर्ड टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा और जितने भी मोस्ट वर्ड टॉपिक होंगे वन बाय वन करके आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना आए राइट और आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो